नहीं, ठीक। मालेगांव शहर में आज बुनियादी मसला जो है वो बिजली का है और उस पर मालेगांव शहर के लीडरान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमने इससे पहले जो बिजली के दाम बढ़ने वाले थे उसमें भी कमीशन के सामने एतराज़ दाखिल किया था, हमारी बात रखी थी, मगर उसके साथ ही साथ मालेगांव कोलकाता कंपनी जो मुसलसल मालेगांव के कंज्यूमर पर जुल्म कर रही है और जो MERC की गाइडलाइन है उस हिसाब से कामकाज नहीं करती। हमने निहाल साहब की बरसी पे ऐलान किया था कि 10 मार्च तक कंज्यूमर्स को, बुनकरों को जो तकालीफ हैं वो हमारी ऑफिस पर लाकर बताएं। 100 से ज़्यादा लोगों ने उनकी जो तकलीफ थी वो लाकर बताई। हमने उसमें से जो सही तकलीफ है, जो कलकत्ता कंपनी को गाइडलाइन के हिसाब से कामकाज करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रही है, उसमें हमने वो तकलीफ देखी और ये समझा कि कलकत्ता कंपनी मुसलसल जुल्म और नाइंसाफ़ी कंज्यूमर पर कर रही है और वो ये चाहती है कि वो कोई कायदे से काम ना करे, मगर हर बुनकर, हर घरेलू कंज्यूमर वो सब कायदे से रहें तो ऐसा इस शहर में हो नहीं सकता। जब तक कंपनी खुद कायदे से कामकाज नहीं करती उस वक्त तक वो कंज्यूमरों पर कायदा लागू करने के ताल्लुक से सोचेंगी तो ये इस शहर में होगा नहीं। हम ये भी देख रहे हैं कि रात में कलकत्ता कंपनी गब्बर सिंह के ऐसा निकलती है मालेगांव शहर में और मार्शल और राइफल के साथ निकलती है। ऐसा लगता है कि वो इस शहर को लूटने के लिए आए हैं। जिस तरह गब्बर सिंह रामगढ़ के लोगों को लूटा करता था उसी तरह कलकत्ता कंपनी मालेगांव शहरियान को लूट रही है और तरीक़ाकार जो गब्बर सिंह का था वही तरीक़ाकार कलकत्ता कंपनी का है। मुझे नहीं लगता कि इस शहर में राइफल और मार्शल के साथ, वो भी रात के अंधेरे में दो दो तीन तीन चार चार बजे उनके कारखानों में जाकर रेड करना ये किसी भी तरह से मुनासिब है। आने वाले वक्त में रमज़ान है, अगर इस तरीके से कलकत्ता कंपनी काम काज करेंगी तो हमें भी गब्बर सिंह से मुकाबला करने के लिए हमारी फ़ौज तैयार करना पड़ेगी और ऐसे हालात में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होंगे तो इसकी जिम्मेदारी कलकत्ता कंपनी की है। अगर कलकत्ता कंपनी को लगता है कि कहीं पर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए वो दिन में आ सकती है, जो कारखाने का मालिक है उसको बुलाकर जो कार्रवाई करना है वो कर सकती है, मगर अचानक रात में जाना और इस तरीके से कलकत्ता कंपनी का वहाँ मालिक नहीं रहना और फौरन पावर लूम मज़दूर जो होते हैं उनको डराना राइफल से मार्शल से, ये गैर मुनासिब बात है। हम तमाम ही कारखानेदारों से भी गुजारिश करेंगे कि अगर वो रात में कारखाने में नहीं है और इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए कोई आता है तो अपने मज़दूरों को बोल दें कि कारखाना बंद कर दें और वहीं पर धरने पर बैठ जाए और उनको घुसने ना दें, लेकिन वो अपने कामकाज नहीं करती। हम 21 मार्च बरोज़ मंगल को स्क्वायर बिल्डिंग के पास धरना देंगे, ज़रूरत पड़ी तो स्क्वायर बिल्डिंग की ऑफिस का घेराव भी करेंगे। हमारे कुछ मुतालबात हैं जो हम लिखकर उनको भी देंगे, डिपार्टमेंट को भी देंगे, प्रांत ऑफिसर को भी देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत हमारे पास ऐसी आई है कि अगर कोई शिकायत के लिए कंज्यूमर वहाँ अप्लीकेशन देता है तो अप्लीकेशन भी वो लोग रिसीव करके नहीं देते। इस वजह से हमने कुछ लोगों को प्रांत के पास भेजा अप्लीकेशन लेकर कि आप वो नहीं ले रहे तो प्रांत ऑफिसर को दो और सही सिक्का लाकर हमको दो, ऐसे भी अप्लीकेशन आए हैं। अगर कोई एजेंसी कंज्यूमर की शिकायत भी ना ले तो ये गैर मुनासिब बात है। आज उन्होंने जो उनकी शरायत थी उस हिसाब से 3 साल से ज़्यादा का वक्फा हो चुका कंपनी को मालेगांव शहर में। इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से हर साल 20 करोड़ रुपया उनको खर्च करना चाहिए था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में सही हो जाए, मगर आप देख रहे हो कि कलकत्ता कंपनी इन 3 साल के ऊपर अरसे में 60 करोड़ का काम की है क्या, ऐसा कहीं दिखता नहीं। दूसरा, जो CEO है प्रेम सिंह, सारे काम काज उसी के पास होते हैं जबकि उसने DY रखना चाहिए। मालेगांव शहर के सेंटर में हम चाहते हैं कि 4 ऑफिस खोले सब स्टेशन से, जहां पर लोगों की शिकायत सुनी जाए और अगर उनकी शिकायत है तो उसको किस तरह से दूर कंपनी करे वो देखा जाए, मगर होता यह है कि हमारे जैसे लोग जब जाते हैं तो
प्रेम सिंह मिल लेता है, मगर कोई आम कंज्यूमर से प्रेम सिंह मिलते नहीं हैं। और सारे नीचे के ऑफिसर जो है वो एक ही बात बोलते हैं कि आप सीईओ के पास जाओ, और सीईओ हर वक्त कोई पब्लिक के लिए मिलने का वक्त उनके पास है नहीं, और इसीलिए सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब तुम लोगों को सहूलत देंगे नहीं, अगर उनकी शिकायत सुनेंगे नहीं, उनकी शिकायत पर लोगों का समाधान करेंगे नहीं, तो किस तरीके से लोग अपना काम काज करेंगे। ऐसी बहुत सी शिकायत कलकत्ता कंपनी से है, जो कि मीटर लेने वाले लोगों ने आज दो दो ढाई ढाई साल से अपना लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करके कारखाना लगाया है, आज ढाई साल दो साल का वक्फा हो रहा है, उनको मीटर दिया नहीं जा रहा। जबकि SOP स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस MERC का रूल है, उस हिसाब से टाइम बाउंड है कि आदमी अप्लीकेशन देंगे तो कितने दिन में उसको मीटर देना चाहिए, वो गाइडलाइन के हिसाब से भी वो काम काज नहीं करते। गाइडलाइन दूसरी एक GR यानी गवर्नमेंट का एक GR भी था, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का 2017 का गाइडलाइन के काम काज किस तरीके से कंपनी करेंगी, सब यानी DY बनाएंगी, जो जिसका जो मामला है वो अलग अलग फैकल्टी से हल होगा। अगर तुम कॉरपोरेशन देखो या पुलिस डिपार्टमेंट देखो तो कोई ये बोलेगा कि SP साहब ही सारे मसाइल हल करेंगे, तो फिर एडिशनल SP DY SP PI इनका कोई काम काज नहीं रहेगा। कमिश्नर अगर सारे मसाइल हल करने लगे तो बॉडी नहीं रहेंगी। तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट की अपना एक मैनेजमेंट होता है जो सारे काम काज करते हैं, मगर कलकत्ता कंपनी के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। वो जो ऑफिसर है उन पर खर्च करना या तो नहीं चाहते या लोगों को तकलीफ देना मकसद है। इस तरीके का काम काज कलकत्ता कंपनी का मुसलसल बढ़ रहा है, और कलकत्ता कंपनी लोगों पर जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती कर रही है, तो उसके खिलाफ़ हम 21 मार्च को धरना देंगे, वहाँ घेराव करेंगे, और इसके बाद भी नहीं उनके अंदर कोई सुधार आया तो उससे बड़े आंदोलन की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। या आज तक मुझे बताओ कि कलकत्ता कंपनी के खिलाफ कोई एक एहतजाज कोई सियासी पार्टी की क्या? हाँ, मैं भी पढ़ा सुना, बाद में ये बोला गया कि फला लीडर की तरफ हम भेज देते हैं, वो करे, वो लीडर बोलते कि यार वो करे। अरे हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है, जो जितना बड़ा लीडर है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। मगर इस शहर ने ये भी देखा है कि इतना बड़ा मसला पावर का 37% बिल बढ़ाने का, उस पर किसी ने भी एतराज़ दाखिल नहीं किया। जबकि जब मैंने एतराज़ दाखिल करने के बाद वो लिस्ट निकाला तो उसके अंदर MP MLA इनको एतराज़ दाखिल करने की भी ज़रूरत नहीं थी, पहला कॉलम ही इनका बना हुआ था। MP MLA जिस हिस्से के हैं वो डायरेक्ट आकर अपना एतराज़ वहाँ दाखिल कर सकते। जैसे मैं तो कोई MLA MP हूँ नहीं, हमको कंज्यूमर की हैसियत से हमने हमारा एतराज़ दाखिल करा, हमारा बुलाना आया। मगर MP MLA की हैसियत ऐसी थी कि वो डायरेक्ट अपना एतराज़ दाखिल कर सकते थे, उनको कोई एतराज़ पहले से अप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। मगर इस शहर ने यह भी देखा कि कोई MP कोई MLA ने MERC कमीशन में उस वक्त कोई एतराज़ नहीं दाखिल किया। एक पार्टी है इस शहर में जो इस मसले पर सही ढंग से रहनुमाई कर सकती है और सही ढंग से एहतजाज कर सकती है। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।